स्वागत है दोस्तों पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम GTT ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है पेटीएम मनी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए वो देखने वाले हैं। पहले जानते हैं कि GTT क्या होता है। अब GTT का जो मतलब है वो है गुड टिल ट्रिगर्ड। अब जब भी मार्केट में आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो ऑर्डर जो होती है वो पर्टिकुलर एक दिन के लिए वैलिड होती है, लेकिन अगर आप GTT ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर एक साल तक के लिए वैलिड होती है। अब मान लीजिएगा कोई स्टॉक 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और उस स्टॉक को आपको 250 रुपये आने के बाद ख़रीदना है। अब एक दिन में तो 50 रुपये की मूवमेंट नहीं आएगी, तो आपको 250 की ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखनी है, तो आप GTT ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। एक साल में जब भी ये जो स्टॉक है वो 250 पे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी बाइंग वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो किस तरीके से लगानी है ये ऑर्डर, सबसे पहले तो आपको वॉच लिस्ट में जाना है। पहले मैं बाय के लिए ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद हम सेल के लिए भी ऑर्डर लगा के दिखाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो स्टॉक बाय करना है वो TCS का स्टॉक मुझे बाय करना है, तो TCS मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। वॉच लिस्ट में अगर आपके पास स्टॉक होगा तो काफ़ी आसानी से आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जैसे कि TCS मेरे यहाँ पे है। अगर दूसरे स्टॉक देखेंगे तो टाटा स्टील है, जोमेटो है, अदानी पोर्ट है, और एक स्टॉक वॉच लिस्ट है यहाँ पे इन्फोसिस है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिलायंस के ऊपर, TCS नहीं लेते हैं यहाँ पे, रिलायंस लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है, TCS भी अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे मुझे GTT ऑर्डर लगानी है। स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस अलर्ट इंस्ट्रक्शन के सेक्शन में प्राइस अलर्ट SIP और GTT का सेक्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप GTT के ऊपर जाओगे आपको यहाँ पे ऐड GTT का बटन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। अब एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है GTT इंस्ट्रक्शन करके। रिलायंस का स्टॉक की प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाय का सेक्शन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, ट्रिगर प्राइस आपको यहाँ पे एंटर करनी है, क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है, और कितने परसेंट नीचे LTP से, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कितने परसेंट नीचे में आपको ये बाय करना है, इसका आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए मौका मिल जाता है। उसके बाद आपको मार्केट पे बाय करना है या लिमिट पे बाय करना है, यहाँ पे सिलेक्शन का मौका मिल जाता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये ऑर्डर जो है वो एक साल के लिए वैलिड रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर एक्सपायर्स ऑन 2 नवंबर 2023, आज 2 नवंबर 2022 है, तो एक साल बाद ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगी अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है तो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्राइस एंटर कर देता हूँ, मुझे ये स्टॉक बाय करना है 2450 पे मुझे बाय करना है, तो मैं यहाँ पे 3% डाउन अगर स्टॉक हो जाता है तो मुझे ये स्टॉक बाय करना है, ऐसा यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मार्केट रखता हूँ तो जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस के ऊपर स्टॉक आ जाएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा वो स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा। एक बात याद रखिए, फंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको पता चलता है, लेकिन GTT ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं पे करने हैं। आपकी ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होने को आएगी तभी आप पैसे वहाँ पे ऐड कर देना। प्लेस करने के लिए कोई भी चार्जेस भी यहाँ पे नहीं है, तो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। अब लिमिट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो लिमिट प्राइस है मैं ट्रिगर प्राइस से नीचे की रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2440 रुपये यहाँ पे मैं बाइंग जो प्राइस है मेरी वो प्लेस कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, स्टॉक अगर 2450 को आएगा तो मेरी ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चली जाएगी, और जब ही ये प्राइस 2440 हो जाएगी मेरा ये स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस अलग आप लगा सकते हो और लिमिट प्राइस अलग लगा सकते हो अगर आपको और भी ज़्यादा निगोशिएशंस करनी है। ट्रिगर प्राइस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और लिमिट प्राइस हमेशा कम होनी चाहिए, लिमिट प्राइस कभी भी ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। तो क्वांटिटी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और फिलहाल के लिए बस 3 क्वांटिटी हम यहाँ पे कर देते हैं, तो 3 क्वांटिटी हम बाय करेंगे। टोटल पैसे मुझे यहाँ पे लगने वाले हैं 7320 रुपये, इस प्राइस के हिसाब से ये 7320 रुपये हमें देने हैं। 2440 × 3 करेंगे तो 7320 रुपये हो जाते हैं, तो उस हिसाब से पैसे देने हैं। उसके बाद हम क्रिएट GTT के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्रिएट GTT के बाद आपको यहाँ पे GTT इंस्ट्रक्शन सेटअप सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस आप देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है वो देख सकते हैं, कब ऑर्डर क्रिएट की है, कितने बजे क्रिएट की है, अपडेट कब की है, वो सारी चीज़ दिखाई देगी, एक्सपायर कब हो रही है ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, और लिमिट प्राइस क्या है, आपकी जो फाइनल बाइंग प्राइस क्या है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा।
अब यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ सकते हैं और आपका जो भी क्यूरी होगा वो इस इंस्ट्रक्शन से क्लियर हो जाएगा। अब गो टू GTT ऑर्डर सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर सेक्शन में, GTT के सेक्शन में आपको पेंडिंग में ये ऑर्डर दिखाई देगी। करंट प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई देती है, लेकिन आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बाइंग ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है दिखाई दे रहा है। तीन क्वांटिटी हमने बाय किया है, 2450 हमारा ट्रिगर है और 2440 हमारा लिमिट प्राइस है। एक्टिव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अभी जो टारगेट है उससे 3% डाउन हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अभी ये टारगेट मतलब लाइव ट्रेडिंग प्राइस से नीचे हम 3% स्टॉक, 3.5% स्टॉक जो है वो बाय करने के लिए ऑर्डर लगा के रख दिया है हमने। तो जैसे ही ये प्राइस आएगी हमारा स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा। तो ये तो था बाइंग के लिए GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं सेल, अगर आपको टारगेट करना है, टारगेट के लिए एक ऑर्डर लगानी है और लगा के ही रखनी है सिस्टम में, तो कैसे लगाते हैं। तो सिंपली आपको पोर्टफोलियो में आना है। उसके लिए आपके पास पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोटक बैंक के 5 स्टॉक मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके ऊपर मैं टारगेट के लिए GTT लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं स्टॉक के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और GTT सेक्शन में फिर एक बार आप ऐड GTT इंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पे आपको बाय की जगह पे सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे सेल के लिए ऑर्डर लगाना चाहते हो, एक टारगेट के लिए ऑर्डर सेट करना चाहते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है ₹1903। अब मुझे यहाँ पे टारगेट लगाना है ₹1950 का, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, 1950 कर दूंगा। यानी कि 2.5% ऊपर अगर स्टॉक जाता है ऑलमोस्ट, तो मैं स्टॉक को बेचना चाहूंगा, मेरा प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। अब मेरे पास 5 क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी कर दूंगा। आप 5 से कम क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी क्वांटिटी है उतनी ही सिलेक्ट करना, या उससे कम करना, उससे ज्यादा क्वांटिटी मत सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे सेल प्राइस जो है वो मैं मार्केट सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर लिमिट प्राइस भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सेल के टाइम पे जो आपको लिमिट प्राइस लगानी होती है वो आपको ज़्यादा की लगानी होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो टारगेट होता है हम ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिगर आपका 1950 पे हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा? वो 1955 को एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम 1955 पे जो है ऑर्डर सेट करके रखे हैं, और इसकी एक्सपायरी जो आप है वो यहाँ पे देख सकते हैं, 2 नवंबर 2023। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यू विल नीड टू हैव EDIS ऑथोराइजेशन फॉर सक्सेसफुली ट्रिगरिंग ऑन द डे ऑफ प्राइस मैच। इसका मतलब ये है, जब भी ये प्राइस आएगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको जो टी पिन है उसका ऑथोराइजेशन कंप्लीट करना है। CDSL पे जो टी पिन का ऑथोराइजेशन है वो अभी नहीं क्रिएट करना है, जब क्रिएट करते हो ऑर्डर क्रिएट करते वक्त नहीं करना होता। लेकिन अगर प्राइस आपकी आ जाती है, यानी कि ट्रिगर प्राइस का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और 1955 जब प्राइस आएगी तब आपको टी पिन जो होता है वो एंटर करना पड़ेगा। जब आप टी पिन एंटर करते हो तो ही आपके होल्डिंग वाले शेयर्स जो है वो सेल हो जाते हैं, अदरवाइज आपकी ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपका स्टॉक जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो GTT ऑर्डर का ध्यान रखना है, टी पिन कब डालना है। अब उसके बाद आपको इस क्रिएट GTT के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। आपके सामने मैंने सेट किया है, मैंने अभी कहीं कोई भी टी पिन नहीं एंटर किया है। प्राइस जब आएगी तब आपको टी पिन एंटर करना है। पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कब क्रिएट की है, कब तक एक्सपायर हो जाएगी और प्राइस लिमिट क्या है। अब GTT सेक्शन में आप जाओगे तो आपको 2 ऑर्डर दिखाई देंगे। एक हमने रिलायंस में बाइंग का ऑर्डर लगाया है और कोटक बैंक में सेलिंग का ऑर्डर लगाया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि GTT ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। तो बहुत आसान है और अच्छा तरीका है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्टॉक हमेशा देखना पॉसिबल नहीं होता, तो उनके लिए GTT का ऑप्शन काफी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।